त्यौहार अभी ख़त्म नहीं हुए हैं और अब चल रही है गोवर्धन पूजा की तैयारी। दउआ लगे हुए हैं आंगन धुलने में, पूरा आंगन धुल जाएगा फिर गोबर से लीपा जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, आज का ब्लॉग शुरू होता है हमारे आंगन से और आज है गोवर्धन पूजा, तो लगी हुई है मम्मी गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट करने में और आप सबको भी गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ जी, तो ये वही गोवर्धन पूजा है जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने छोटी सी उंगली पे वो जो गोवर्धन पर्वत उठा लिया था उसी की आज पूजा होने वाली है। तो मम्मी लगी हुई हैं गोवर्धन पूजा की तैयारी में और गोवर्धन पूजा दिवाली के नेक्स्ट डे सेलिब्रेट की जाती है और ये गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है, उसके बाद पूजा आरंभ होती है। इसके पीछे भी कई स्टोरी हैं, आपको आगे बताते हैं। तो गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहा जाता है, जहाँ पर ढेर सारे अनाजों को यहाँ पर रख करके और उनकी पूजा की जाए। बखारी और क्या, जिसमें जानवर बनते, जिसमें इंसान रहते, कहाँ पर सब कुछ बनता था, आदमी इंसान नौकर चाकर सब। दादी ने कहा ये सब थोड़ी होता है, गोवर्धन पर्वत बनाओ, उसको अपने भगवान ने अपनी चितली गुड़ी पे लिया था, बारिश को रोका था, क्या घर मकान है, अन्न अन्न पैदा करने, अन्न की पूजा करो, अन्न लगाओ। तो किसी बात पे भगवान इंद्र वृंदावन वासियों पे हो गए थे नाराज़, इसीलिए उस दिन उन्होंने बहुत सारी वर्षा करी। उस वर्षा के कारण लोगों को बहुत दिक्कतें महसूस हुई, तभी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से रिक्वेस्ट करी और श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पे वो पूरा विशाल पर्वत उठा लिया था, मतलब गोवर्धन पर्वत। तभी से ये गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट करने लगी और इस दिन कई सारे अनाजों को रख करके भी पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनके अनाज और उनके पशुओं की भी रक्षा करी थी। ये त्यौहार बेसिकली आपको नॉर्थ में ही दिखाई देगा, यहाँ पे काफ़ी धूमधाम से गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, रुई से उनके आँख मुँह कान बनाए जाते हैं। स्पेशली अनाज की पूजा होती है तो ये काली उड़द है, जौ है, सफ़ेद तिल, गेहूं और ये हरा मूंग। और मम्मी पूरा सामान अरेंज करने में लगी हुई है, उसके बाद शुरू हो गई हमारी पूजा। तो ये हमारा दिवाली का दीपक जो रात में काजल के लिए लगाया जाता है और ऐसा लग रहा है कि ये लक्ष्मी जी और ये गणेश जी का थोड़ा सा रूप। तो आज नाश्ता बनना नहीं है क्योंकि कल का खाना जो रखा है वही हम लोग खाएंगे, इतनी सारी कचौड़ियां हैं दाल की तो वही गरम होंगी, तवा रेडी है तो अब बस तवे पे अपनी दाल की कचौड़ियां रख देंगे, इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाते हैं क्योंकि नेक्स्ट टाइम नाश्ते में ये चल जाए, उसके बाद फिर कई सारे लोग हैं उनको भी देना होगा, दादी हैं तो उन सबको भी ये कचौड़ी वगैरह सब्जी वगैरह दान करनी होगी। तो एक थोड़ा सा इशू हो गया, एक्चुअली गोवर्धन पूजा को की टाइमिंग्स और मुहूर्त को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, तो मम्मी आज फास्ट रहेंगे और पूजा का मुहूर्त है आज 3 बजे से, तो इसीलिए उनका थोड़ा बहुत नाश्ता रेडी कर देते हैं। तो इसलिए मम्मी का नाश्ता है ये मखाने और चाय बन रही है। ये लो। दिवाली मोड ऑन है और हम लोग अभी भी दिवाली के मोड में लगे हुए हैं सबके सब। ये देखिए राजा भैया भी खेल रहे हैं और ये सत्या दादा ने दिला दिए चक्री, बल्ले बल्ले, आजा शिवा आजा 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 आजा, चक्री 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 जल रही है ये। जो हम लोगों ने बनाई थी उसी कैंडल से हम अपने सारे पटाखे जलाएंगे, है ना सत्या? एक और अभी कैंडल का पैकेट आएगा, अभी बहुत सारी कैंडल्स हैं हमारे पास। अब ये
बड़ी मम्मी और शिवाय दोनों लोग लगे हुए दिवाली सेलिब्रेशन में और कल कर नहीं पाए थे, इसीलिए सारे के बच्चे आज एंजॉय कर रहे हैं बाहर वाले आंगन में, क्योंकि बड़े बच्चे एंजॉय नहीं कर पाए थे, है ना भाभी? भाभी मना रही हैं असली दिवाली और भाभी का पूरा मन है चक्री जलाने का। अच्छा है, अच्छा है। ये लड़का दे ही नहीं रहा अपनी मम्मी को पटाखे छुड़ाने के लिए। दे दे भाई, मम्मी भी जला ले। पीछे शिवाय चक्री में लगाई हुई है, मम्मी ट्राई कर रही है किसी तरह से जल जाए। हाँ बड़ी मम्मी जला रही है, रुको रुको। ये फाइनली मम्मी ने जला दिया, पर घूम रही है, घूमने लगी। सही है, सही है। हाँ अरे पीछे रहो, पीछे रहो, आगे मत जाना। सारे बच्चे पीछे रहो। मजा आ रहा है भाभी? आर यू इंजॉइंग? आज आज दिवाली सेलिब्रेट करी है। बच्चे भी बहुत खतरनाक हो गए चाची के साथ। जितनी जितनी खतरनाक चाची उतनी खतरनाक बच्चे। ये मामा जा रहे हैं अपना रात का डिनर करने और बाकी सब लोग भी खा चुके हैं। आज डिनर थोड़ा जल्दी हो गया है क्योंकि बाबा को जाना था एक मीटिंग में, तो खाना हमारा जल्दी वाइंड अप हो गया है। और खाने में है हमारा, बाबा गए, खाने में है हमारा आलू गोभी की सब्जी और आलू सोया मेथी का साग। खाना है और हम लोग अपना खाना एंजॉय करेंगे। बेटा पैन नहीं लगाते। अभी आए थे बाहर वॉक करने, पर भाभी ने कहा दिन भर तो मैं वॉक करती हूँ, घर के अंदर तुम बाहर भी टहलाओगी, इसलिए मैं झूले पे झूलूंगी और तुम करो वॉक। क्यों भाभी? तो हम लोग थोड़ा बहुत टहलेंगे क्योंकि हमने खाया कायदे से चावल, तो उसको डाइजेस्ट करना है। इसमें मजा आ रहा है, ये देख रहे हैं कि ये क्या खतरनाक चीज है। टच नहीं करना, बस उसको दूर से देखना है। काफी कलरफुल लग रही है इसलिए उनको काफी इंजॉय कर रहे हैं ये। हाँ टच नहीं करना गिशु, दूर से, डोंट टच इट। चलो लेट्स गो, कम होल्ड मम्मा फिंगर, डोंट वांट टू होल्ड। चलो टहलो टहलो टहलो। तो इन दोनों के बच्चों की मस्ती चल रही है। ज़ॉम्बी, अरे और ये देखो एक दूसरे की नकल उतारी जा रही है। ये देखो ये एक ज़ॉम्बी आया, ये ज़ॉम्बी कहाँ गया, ये रहा ज़ॉम्बी और बड़ा ज़ॉम्बी ये। खाना हमारा वाइंड अप हो चुका है, बट इन लोगों की मस्ती नहीं वाइंड अप हो रही है। सारे काम हो चुके हैं फिनिश और हम लोग आ गए थे अपने रूम में। आज के ब्लॉग को करेंगे हम यहीं पे समाप्त। ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बातों के साथ कुछ नई अपडेट के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।